हाय फ्रेंड, आज आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास स्कोडा कंपनी की फेविया गाड़ी आई हुई है। इसमें क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड, हम आपको बताते हैं। इसका प्रॉब्लम है, कस्टमर का कंप्लेन है फ्रेंड, कि जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, इसका हम इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं, इग्निशन ऑन करने पर इसकी जो सारी लाइटें आ रही है, देख सकते हैं सारी लाइटें आ रही है, लेकिन जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इस पर EPC और चेक लाइट दोनों कंटिन्यू रहता है। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, ये हमने देखिए गाड़ी स्टार्ट किया है, देख सकते हैं फ्रेंड। ये लाइटें जो दोनों लाइटें जो है वो हटनी चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने वाले, लेकिन हट नहीं रहा है। तो हम इसको स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि इसका फॉल्ट कोड क्या है, और हम ये दोनों लाइट जो है वो मीटर पर हटा के आपको दिखाएंगे कि इस लाइट के लिए हम क्या काम कर रहे हैं और क्या चेंज कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये स्कोडा कंपनी की गाड़ी है फेविया। प्रेस कीजिए, देख सकते हैं गाड़ी हमने स्टार्ट करके रखा है। ठीक है, गाड़ी बंद कर दीजिए। तो फाइनली फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम इसका स्कैनिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं इसमें स्कैनिंग में क्या फॉल्ट कोड आता करके। ये हमारी स्कोडा गाड़ी है फेविया, स्कोडा कंपनी की। देख सकते हैं फ्रेंड, ये दो फोल्ड कोड आ रहा है, एक तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 1 सर्किट लो करके आ रहा है, और दूसरा फोल्ड कोड है ब्रेक स्विच का। तो हम दोनों ही चेक करेंगे और फिर चेक करने के बाद आपको बताएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये कूलेंट टेम्परेचर है, देख सकते हैं कूलेंट टेम्परेचर का ये सॉकेट है। तो इसका वायर देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक हो गया है। तो सबसे पहले तो हम ये वायर छील के दोनों को जॉइंट करके देखेंगे कि हमारा जो फॉल्ट कोड था वो जाता है कि नहीं, क्योंकि हमने स्कैनिंग किया था तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का बता रहा था फॉल्ट कोड। तो हमने इसे वायरिंग चेक किया तो यहाँ से ये वायर ब्रेक था, ये देख सकते हैं ये वायर ब्रेक है। तो हम इसे छील कर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके फिर से एक बार स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं हमारा फॉल्ट कोड जाता है कि नहीं जाता है। देख सकते हैं हमने इस वायर को ज्वाइन कर दिया है, अब टेपिंग कर रहे हैं। टेपिंग करके फिर से एक बार स्कैनिंग करेंगे और उसमें फिर से एक बार देखते हैं कि फॉल्ट कोड हमारा ऑटोमेटिक क्लियर होता है कि नहीं, क्योंकि क्लियर करने के बाद फिर से फॉल्ट कोड आ जा रहा था। ठीक है फ्रेंड, ये इसका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। ये हमारा इंजन के लेफ्ट साइड में आता है, तीसरे कॉइल के बाजू में।
ये हम फिर से एक बार स्कैनिंग कर रहे हैं फ्रेंड। ये देख सकते हैं क्लियर करके देख रहे हैं, ये हमने क्लियर किया। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड को चेक करेंगे कि फिर से फोल्ड कोड आता है कि नहीं आता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा ऑटोमेटिक लाइट चला गया, जो चेक लाइट आ रहा था और ईपीसी का लाइट आ रहा था। हमारा ईपीसी का लाइट और चेक लाइट दोनों देख सकते हैं, फोल्ड हमारा मीटर पर नहीं आ रहा है। हमने गाड़ी स्टार्ट किया है तो रेस कीजिए। हमारी गाड़ी स्टार्ट है, ये देखिए रेस करके हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं दोबारा से हम चेक कर रहे हैं, देख रहे नो फोल्ड कोड, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुका है, आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर था, इसका वायर ब्रेक था जिसे हमने जॉइनिंग किया, जॉइन करके हमारा जो फोल्ड कोड था वो क्लियर हो गया और मीटर पर जो कस्टमर का कंप्लेन था लाइट आने का वो भी क्लियर हो चुका फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।